What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज है 10 दिसंबर 2020 थर्सडे है, सुबह के 8:43 हो रहे हैं। थर्सडे है, वीकली एक्सपायरी का दिन है। निफ्टी लगातार नए हाईस क्रिएट कर रहा है, ऑल टाइम हाईस क्रिएट कर रहा है। आज एक्सपायरी का दिन है तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, तो थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा, वोलेटाइल मार्केट हो सकता है। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। कल अमेरिकी बाजार देखे तो वहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, वहाँ पर भी ऑल टाइम हाईस पर कारोबार हो रहा था, लेकिन कल एक प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पर देखने को मिली। 243 पॉइंट की गिरावट के साथ नासडैक बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स भी देखे तो लास्ट दो महीने से कमजोर चल रहा है, एक फ्लैट नोट के साथ कारोबार वहाँ पर देखने को मिल रहा है। एशियाई बाजार देख रहे तो आज लगभग सभी ऑलमोस्ट लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। SGX निफ्टी 57 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। डाउ फ्यूचर देखे तो 43 हल्की सी बढ़त के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है, तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से इस समय मिले जुले संकेत आ रहे हैं। निफ्टी ऑल टाइम हाई के ऊपर है। कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये कल जो हमने ब्रेकआउट लेवल मार्क किया था 13,449 और फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट, निफ्टी इंडेक्स ओपन ही हुआ फर्स्ट टारगेट के पास, एग्जैक्ट ब्रेकआउट लेवल का इसने सपोर्ट टेस्ट किया और ऊपरी लेवल की तरफ ये ट्रेड हो रहा था, हायर हाईस क्रिएट हो रहे थे। निफ्टी जो फर्स्ट टारगेट के पास ही ओपन हुआ तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बनता एज पर जो हमने प्री मार्केट प्लान बनाया था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लान नहीं बनता। लेकिन जैसे ही हायर हाईस क्रिएट कर रहा था, लाइव मार्केट में काफ़ी अपॉर्चुनिटी थी, ज़बरदस्त बुलिश मार्केट था कल, तो जो प्री मार्केट हमने प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई ट्रेडिंग प्लान कल नहीं बन रहा था। तो सबसे पहले वीकली चार्ट को देख लेते हैं। वीकली चार्ट में ये जो स्विंग हाई लो पकड़ के हमने फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था, इसके लेवल्स काफ़ी एक्यूरेट साबित हो रहे हैं। कल भी एग्जैक्ट ये ऑलमोस्ट क्लोज हुआ है, 161.8% का ये जो लेवल है इसी के पास ये क्लोज हुआ है। अभी देखें तो लास्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कैंडल देखे वीकली चार्ट में तो कंटिन्यू हायर आए हायर लोस के पैटर्न बन रहे हैं, यानी एक्सट्रीम बुलिश मार्केट इस समय देखने को मिल रहा है। एक्सपायरी का दिन है आज, तो हो सकता है एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, नए पोजीशंस ऐड हो जाएंगे, लेकिन आज एक्सपायरी का दिन है तो थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस रहना होगा। यहाँ पर ऑल टाइम हाई निफ्टी ने क्रिएट कर चुका है। डेली चार्ट पर अगर हम देखें, डेली चार्ट में भी कंटिन्यूज ये जो रेड कैंडल है इसका ब्रेकआउट मिलने के बाद निफ्टी इंडेक्स भी हायर आए हायर लोस के पैटर्न बना रहा है। एक दिन पहले दोजी कैंडल बना था जो कि ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल होता है, हालांकि जैसे ये हायर आए हायर लोस का पैटर्न बन रहा है, कंटिन्यू फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिला और निफ्टी ने जैसे ही दोजी का भी हाई ब्रेक किया, सस्टेन किया, उसके ऊपर निफ्टी इंडेक्स और तेजी से ऊपर बढ़ा। तो अभी ये जो लेवल्स होते हैं 161.8 150 लेवल्स, इनके यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल का मौका होता है, चांस होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ से देखा गया है कि इन लेवल्स के आने के बाद एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलता है। तो अभी फिलहाल जो भी करेक्शन आएगा इसे प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं, क्योंकि ऑल टाइम हाई के ऊपर है निफ्टी इंडेक्स, प्रॉफिट लगातार बुक हो सकता है ऑल टाइम हाई के लेवल के पास, तो थोड़ा सा कॉशियस रहना होगा। अभी यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन बनाना काफ़ी रिस्की साबित हो सकता है क्योंकि मार्केट काफ़ी बुलिश है इस समय। चलते 60 मिनट के चार्ट में, इंट्राडे लेवल्स को क्विकली आइडेंटिफाई करेंगे। निफ्टी इंडेक्स अगर कल के हाई के ऊपर चला जाता है और सस्टेन करता है, यानी ये जो लेवल है 13,546 इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है, राउंड फिगर कर देते 13,550 के लेवल के ऊपर ये सस्टेन करता है, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजिशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 13,562। एक छोटा सा क्विकली फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 13,580। और कल जब ये निफ्टी इंडेक्स फर्स्ट टाइम आर्ली चार्ट में आप देख सकते हैं इस लेवल के पास, ये चार घंटे इस लेवल के ऊपर ये क्लोज नहीं हो पा रहा था, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था 13,489 के पास। तो अगर इस लेवल को ब्रेक करता है टूवर्ड साउथ की तरफ, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 13,473। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा जो कल गैप अप ओपन हुआ था, तो इसका ये जो इनिशियल पॉइंट है 13,450 ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा।
तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।